हरे कृष्ण श्री परमार्थी तरफ आज आलोचना रही अध्याय रे आपण मानको स्वागत। वर्तमान समय रे जगन्नाथ स्नान यात्रा समाप्त हो स्नान यात्रा पर जगन्नाथ महाप्रभु भक्त मानक 15 दिन पर दर्शन दिंती ना अणवसर रुहति तेणु ये अणवसर समय रे समस्त भक्त मैंने श्री भगवान अलनाथ दर्शन करने जाती तेणुक अलनाथ विशेष विशेष महिमा आउ भक्त मान कथा कौन कह स्वयं भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप से कलियुगर जब अवतीर्ण है से ही समय रे जगन्नाथ रे अवस्थान करिया समय रे स्वयं चैतन्य महाप्रभु मध्य निजे समस्त भक्त मानक नहीं अलनाथ दर्शन करने जाते से अलनाथ रे चैतन्य महाप्रभु अनेक अनेक लीला करते से सब लीला विषय आसतु आम आम पूज्यपाद भक्तिवेदांत बोधाय महाराज ठारु पचारि बुझे जे चैतन्य महाप्रभु कौन कौन लीला करते कहीं जाते से सब संबंध में महाराज प्रणाम। आज अध्याय आपन को स्वागत। आज हम चर्चा करवा जगन्नाथ महाप्रभु अणवसर समय चैतन्य महाप्रभु कि भाव में अलनाथ दर्शन करने जाते भक्त मान प्रश्न आमर चैतन्य महाप्रभु अलनाथ समय अणवसर समय अलनाथ को दर्शन करने जाए मन गोटे प्रश्न आसूँ जगन्नाथ पुरी अलनाथ दूर देखी जगन्नाथ पुरी आहरी से दूर अनेक विष्णु विग्रह उपस्थित अच्छा जहाँ नाम हूँ साक्षी गोपाल साक्षी गोपाल को न जाई अणसर समय जगन्नाथ अलनाथ को दर्शन करने कौन जाते बहुत सुंदर प्रश्न साक्षी गोपाल न जाए अलनाथ कहीं गले वास्तव में चैतन्य महाप्रभु एक विशेष भाव रे विभावित होकर रहुथले कारण चैतन्य महाप्रभु किए राधा भाव द्वितीय सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम राधाराणी भाव एवं राधाराणी अंग कांति की आश्रय करी स्वयं कृष्ण चैतन्य रूप से आसिले सची माता गर्भरे जन्म नेले किंतु सीए से जिते वृंदावन जिते जगन्नाथ पुरी धाम रहुथले गंभीर सेतबेले चटक पर्वत को सी गोवर्धन मन करुथिले बड़दाण्डर शरधावली तांका पई ब्रजर धूली हो जाइथिला समुद्र को देखी जमुना नदी भ्रम होता तेबे कदम्ब वृक्ष जो बट वृक्ष को देखी बंशी बट बा कदम्ब वृक्ष स्मृति होता कारण कृष्ण राधा भाव रे थिबा हेतु सबु जागरे वृंदावन रे ही से दर्शन करुथिले तेबे केवल दुईटी भाव से आस्वादन करुथिले गोटे जी राधा भावर आउ केबे केबे गोपी भावर तेणु गोपी भाव रे गोटे वृंदावन रोटे गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन को कूल रे पेठा ग्राम अच्छी पेठा ग्राम रे लीलार स्मरण रे सीए अलारनाथ जाउथिले कहा जाए गोपी भावे बिरहे प्रभु व्याकुल होया अलारनाथ गेला प्रभु सवारे छाड़िया कारण जो गोपी भाव में विभावित होते अलारनाथ हूँ पेठा ग्राम लीला से ब्रह्मगिरी बोली कह जाए ब्रह्मा जो जगह तपस्या करते ब्रह्मगिरी तीन होता गोवर्धन एवं जो जगह चंदन यात्रा करने जाती सीटा हूँ राधा कुंड आमर जो गोटे ब्रह्म गौड़ीय मठ अच्छी से मठ भितर जो पोखरी अच्छी ताकू दर्शन कर चैतन्य महाप्रभुंर श्यामकुंडर भ्रम हो श्यामकुंडर स्मृति होता एवं सी राधाकुंड ये श्यामकुंड ब्रह्मगिरी गिरिराज गोवर्धन आउ ये जो नारायण विग्रह चतुर्भुजधारी ये होचंती जी स्वयं पेठा ग्राम विग्रह बोली हाँ कृष्ण पेठा ग्रामर जी जमती विग्रह नारायण रूप से अच्छा तेणु ये नारायण विग्रह देखी गोपी भाव रे विभावित होते आ गोपी भाव रो जो रस को आस्वादन करुले विरह भाव को प्रशमित होता यही अलारनाथ को दर्शन करी तेणु जेहेतु राधा विरह विधुरा मूर्ति थिले जी निजे चैतन्य महाप्रभु ए कृष्ण विरह विधुरा तेणु गोपी भाव आस्वादन करुले तेणु अलारनाथ जा जगन्नाथ दर्शन गोपी भाव आस्वादन कर अलारनाथ पेठाग्राम कौन लीला हाँ या जानवा विशेष जरूरी ये ब्रज भावर कथा
रास होची दुई प्रकार, गोटे होची बासंती रास आ गोटे होची शारदीय रास। तेबे बासंती शारदीय रास रे सब गोपी माने नित्य सिद्धा साधन सिद्धा श्रुतिचरी मुनिचरी ये समस्ते सहभाग नियंती, किंतु बासंती रास रे केवल नित्य सिद्ध परिकर जमी केवल अष्ट सखी वृंद राधाराणी जो माने प्रिय सखी प्रिय नरम सखी अत्यंत जो माने नित्य सखी माने केवल से भाग नि नित्य सिद्ध जो माने तेना वृंदावन से माने गोवर्धन से रास हुए जार नाम होची बसंती रास। यही बासंती रास रे सदर लीला हुए जे कृष्ण थरे राधाराणी एवं गोपी मान ठारू विरह हो जा माने अंतर्ध्यान हो जाती गोपी मान ठारू विरहित हो जाती जे विरह रे गोपी मानकर दशा और राधाराणी दशा कौन है दर्शन करने कि भगवान कृष्ण प्रेम कौतूहल अंतर्ध्यान हो गले किंतु गोपी माने जो खोजापला बेले कृष्ण चिंता कले मु नारायण रूप से ये बसी जीवे नारायण रूप से बस देखा कौन कर मत नारायण कृष्ण भेतर बहुत किसी अंतर ना केवल अंतर ये कृष्ण हूँ माधुर्यमय विग्रह किंतु नारायण होचंति ऐश्वर्य विग्रह किंतु एक विष्णु तत्व रसेन उत्कर्ष ये कृष्ण केवल रस द्वारा कृष्ण होचंति उत्कर्ष। तेबे गोपी माने जेतले जानती देखिले जे नारायण चतुर्भुज धारण करी कृष्ण निजे बसचंति तेणु नारायण रूप को देखी कृष्ण गोपी माने प्रणाम कले कले हे नारायण हे विष्णु आपण देखिचंति आम कृष्ण कुआडे गले। ते ये विशेष लीला होची गोवर्धन गिरिराज रे नारायण प्रकाश कले किंतु गोपी माने कृष्ण को नारायण को देखिले आलिंगन करवा कि कृष्ण को पाईगले खुशी मनवा नृत्य कीर्तन करवा हो पारानी कारण रसेन उत्कर्ष रसिक शेखर नारायण ऐश्वर्य विग्रह से रस उत्पन्न हेनी रस उत्पन्न केवल कृष्ण निकट में हम कि गोपी मान निकट निजे कृष्ण नारायण रूप से रही पारे कि राधाराणी गले राधाराणी की देखा पर कृष्ण आजर स्वरूप को बदल पारे ओल्टा नारायण का रूप दुईटा हाथ भितर प्रवेश करगला पेंट हो गला पेंट गया कहुए एवं हिंदी रे एवं दुई हाथ रे सी मुरली धारण कले तेणु सी होगा पेठा बोली कहुए। अतएव गोपी मान सामना रे कृष्ण नारायण रूप धारण करके रही पारंती किंतु राधाराणी के सम्मुखें नारायण रूप में रहा कृष्ण पक्षे असमर्थ असंभव तेणु विशेष लीला गोपी भाव विशेष भाव में आस्वादन करने विरह लीला को आस्वादन करने ये चतुर्भुजधारी नारायण पाख को ये अलारनाथ को दर्शन करने को जाते सेठे अलारनाथ चतुर्भुजधारी चैतन्य महाप्रभु दर्शन करीला ना हाँ प्रेम विकार है जगन्नाथ से आप देखिए जे जमी गोटे प्रस्तर अच्छी से प्रस्तर से देखा जाए बर्तमान जो जानती दर्शन करू प्रस्तर से कहते हैं चैतन्य महाप्रभु समस्त अंगर चिन्ह अच्छी सर्वांग चिन्ह से प्रस्तर तरलीला खेला हाँ महाप्रभु जिते राधा भाव रे विरह रे एवं प्रेम रोटे उन्नत दशा को प्राप्त करुले से देखा जाए केवल से गोटे स्थान नुह अनेक स्थान विशेष पादपीठ प्रतिष्ठा होती आप देखिए जगन्नाथ मंदिर जिते जगन्नाथ दर्शन करते चैतन्य महाप्रभु से गरुड़ स्तंभ पछ पाखे आंगुटी रखी निजर हस्तकमल को रखी जगन्नाथ को दर्शन करुले आेमर दशारे प्रेमर गोटे दशारे पथर मध्य तरल हो जाए माने विपरीत धर्म को धारण करें जमी कह जाए कृष्ण वंशी वादन कले प्रेमर जिते स्थिति आसी जाए से जमुना स्थिर हो जाए पथर माने तरली जाती आपने देखी थे वृंदावन में चरण पहाड़ी अच्छी आम जाऊ वृंदावन परिक्रमार आप जाइए जे से जगन्नाथ कृष्ण चरण चिन्ह अच्छी तेनाली चैतन्य महाप्रभु प्रेम रे कृष्ण निजे प्रेम रे पत्थर मध्य तरली गला हाथ टीप चिन्ह एवं अच्छी आले सी जो ऊपर जो पत्थर प्रस्तर उपर ठिया सी प्रस्तर मध्य तरली गला उत्तर द्वारपटे कुर्मबेड़ा मध्य बली बामन जो बामन देव मंदिर सम्मुखें से प्रस्तर एवं मध्य अच्छा जो पादचिह चैतन्य महाप्रभुंर ताकि भक्त मैंने प्रणाम करती परिक्रमा करती सेवा पूजा नित्य भाव से चली
तेरे से चैतन्य महाप्रभु तेणु से अलारनाथ को दर्शन करी जिते प्रणाम कले गोपी भाव आस्वादन करने प्रणाम करने से प्रस्तर पूरा तरलीगला सर्वांगर तेणु सर्वांग चिन्ह अच्छी एवं सी प्रस्तर को आनी एपटे रखाई आउ से प्रस्तर गले भक्त मैंने दर्शन करती परिक्रमा करती आउ महाप्रभुंकर स्मरण करती से विशेष भाव चैतन्य महाप्रभु जो मैंने अनुगत से मैंने से स्थान को जाती आउ से निजर भक्ति अर्घ्य निवेदन करती से स्थान गोटे मठ अच्छी आप ब्रह्ममध्य गौड़ी मठ से कहते से मठ में गोटे विग्रह अच्छे अलानाथ किसी अलौकिक लीला से मठ प्रतिष्ठा करमर गौड़ मठ प्रतिष्ठाता जी श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर प्रभुपाद जी भारत में 64 गौड़ मठ प्रतिष्ठा कले से जो जगन्नाथ पुरी आसे अलानाथ को दर्शन करने गले विशेष भाव भितर प्रकाशित है से चिंता कले भक्त मैं अलानाथ दर्शन करने आसती से संबंध में समस्ते जाणी दरकार एवं प्रचार उद्देश्य एवं वैष्णव मान सेवा उद्देश्य से प्रतिष्ठा कले ब्रह्म गौड़ मठ कारण आमर जो परंपराटा अच्छी चारोटी परंपरा विशेष भाव संप्रदाय श्री रुद्र ब्रह्म सनक वैष्णव क्षति पावना श्री संप्रदाय जोटा लक्ष्मी ठार आरंभ रुद्र संप्रदाय जोटा शंकर आरंभ एवं सनक संप्रदाय ब्रह्मांकर मानस पुत्र आरंभ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आ गोटे ब्रह्म संप्रदाय जोटा ब्रह्मा ठार आरंभ तेरे ब्रह्म संप्रदायर आमर विशेषकर जो गौड़ मठ ये आम मान आम संप्रदाय हूँ ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय तेणु सी चटक पर्वत में व्यासदेवंर एवं माधवाचार्य विग्रह प्रतिष्ठा करती विशेष भाव में ब्रह्मांर तपस्या स्थल आमर संप्रदाय हूँ ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय तेणु से ब्रह्म गौड़ मठ प्रतिष्ठा कले सेपटे श्यामकुंड मठ भितर सेपटे राधाकुंड आउ ये पेठा ग्रामर लीला अलारनाथ तेणु से ब्रह्म गौड़ मठ कले कि गोटे विशेष लीला होती अद्भुत लीला है अलौकिक लीला जड़े ब्राह्मण अलारनाथ मंदिर समय तैयारी समय बोधे केमती जड़े विग्रह प्रकाशित होते अलारनाथ छोट मान विग्रह साक्षात बास मानने मंदिर समय किमती से ब्राह्मण निकट पूजा पाते साक्षात अलारनाथ विग्रह अलारनाथ जमी से विग्रह सेमती कि छोट मूर्ति छोट विग्रह से पूजा पाते कि राति से स्वप्न है ब्राह्मण को कहले जे मते नहीं कि एवं तुम मोर शुद्ध भक्त जी प्रभुपाद को दि मुझु सेवा ग्रहण करने को चाहिए आ से ब्राह्मण आनी प्रभुपाद स्वप्नर कथा कहले आ प्रभुपाद से विग्रह को रखी विशेष भाव सेवा पूजा आज आपण जीवे से श्री विग्रह ये अच्छा राधाराणी अच्छा भगवान कृष्ण प्रभुपाद गौड़ नाथ मान चैतन्य महाप्रभु गौड़ नाथ प्रतिष्ठा कले एवं गोपी गोपीनाथ गोपी मानकर भाव आस्वादन गोपी माने एवं गोपीनाथ जे गोपी मानकर नाथ अर्थात राधाराणी एवं गोपी मानकर नाथ जे गोपी गोपीनाथ से प्रतिष्ठा कले विग्रह को जगार ये जो अलारनाथ छोट विग्रह एवं अच्छा आप दर्शन करें भक्त मैंने दर्शन करते महाराज चैतन्य महाप्रभु केवल अलवसर समय अलारनाथ दर्शन करने जाते हैं समय दर्शन हाँ ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद भला सुंदर वर्णना करी कि अनवसरे जगन्नाथ रे नापाया दर्शन विरहे अलारनाथ करिला आगमन अनवसर समय जो जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभुंकर नित्य लीला थिला नित्य दिन चर्या थिला जे समुद्र स्नान करिवे हरिदास ठाकुर को दर्शन करिवे गदाधर पंडित निकट रे तोटा गोविंद निकट रे भागवत श्रवण करथिले एवं जगन्नाथ दर्शन नित्य करथिले कि दर्शन पाइलेनी जगन्नाथ दर्शन कर महाप्रभु कहते विग्रह न तुम साक्षात ब्रजेन्द्र नंदन से अलारनाथ विरह 10 दिन जो 15 दिन दर्शन न पाइले विरह विरह अनल दग्धीभूत हो विरह संताप को दूर करने से अलारनाथ को दर्शन करने जाते ये गोटे कारण एवं 2-3 कारण अच्छी अलारनाथ जीवार आउ गोटे कथा चैतन्य चरित मिले कि जितेबले छोट हरिदास पार्षद मध्य थिले सीए जगदानंद पंडित चाउल को बगड़ा चाउल को भिक्षा अन्न को दे शिखी महांती और माधवी देवी ठारू जे आने बदल हाँ छोट हरिदास जो माधवी दास गले
माधवी दास पाखरे जड़े कन्या से किंतु अल्प बयसर ताकू देख केवल छोट हरिदास भोग बुद्धि केवल दर्शन करदे दृष्टिभंगी बदलीगला से चाउल जो भिक्षा अन्न आणिले भल चाउल रोषेई महाप्रभु पचारे ये अन्न कड़े सुंदर चाउल तो भिक्षा अन्न नुहे ना ना छोट हरिदास नहीं माधवीदेवी ठार महाप्रभु पार्षद है कि छोट हरिदास जिते दृष्टि देखी कुदृष्टि तेणु छोट हरिदास को दंड दे महाप्रभु कहे वैराग्य होया कर स्त्री संभाषण स्त्री संभाषण करवा स्त्री चिंतन करवा ये अनाचार ये या महाप्रभु पसंद करन तेणु तक सी त्याग करदे गोविंद को कहले गोविंद आज ठारू छोट हरिदास आसिले द्वार मना करद तेरे महा छोट हरिदास जिते मना हो गला शुणिले हतचकित हो गले विकल हेले कांदिबा को लागले स्वरूप दामोदर प्रभु राय रामानंद समस्ते निवेदन कले महाप्रभु महाप्रभु आपण छोट हरिदास को क्षमा कर दिंतु से महाप्रभु कहते तुमार आज्ञा है मुई जाऊ अलारनाथ अकेला रहिव तहां गोविंद मात्र साथ। महाप्रभु विरक्ति की प्रकाश कले यदि तुम मैंने एमती कौच ताल बर मुझे अलारनाथ में रही गोविंद केवल मो संग छाड़ देखिए पलिजी बोली कहले से ही समय मतलब अलारनाथ कले आउ गोटे कथा अच्छी चैतन्य महाप्रभु जेतेबेले किछि असुविधा हेले अलारनाथ को अलारनाथ स्थान को निष्किंचन व निर्जन स्थान मन करते पसंद करते तेणु अवश्य यद्यपि बोधे जाइना किंतु कहले भावानंद रायंकर पुओ जो गोपीनाथ पट्टनायक को कर दे नोली से किसी समालोचना करते राजा दंड राजापुत्र दंड देवाई कले से महाप्रभु को नवेदन कले आपण प्रताप रुद्रदेव को नवेदन कर दिंतु तेल सी गोपीनाथ पट्टनायक छाड़देवे तेरे से ही समय महाप्रभु विरक्ति मत प्रकाश कर कि अलारनाथ जाए निश्चिंत रहीमु विषय भल मंद बार्ता न शुणिमु कही मुझे विषय लोक मान भल मंद कथा शुणा को मुझे चाहेनि बर अलारनाथ जाए मुझे निश्चिंत रहा चाहे अतएव ये अनेक अनेक थर महाप्रभु अलारनाथ जीवार तो शुणा जाए आउ गोटे मत कथा से जो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण प्रदेश को यात्रा कले दक्षिण भारत यात्रा कले से अलारनाथ जा रही नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य प्रभु समस्त पार्षद माने महाप्रभु से कीर्तन हला प्रसाद हला तापर से जिते फेरिले अलारनाथ दे आसते अलारनाथ रे नित्यानंद प्रभु को खबर पठेले समस्त भक्त माने जा महाप्रभु आगमन श्रीक्षेत्र को जो पुनर्वार है सेठ विशेष भाव में नृत्य कीर्तन कर उत्सव कर महाप्रभु स्वागत कर जगन्नाथ पुरी की नहींक आसते तेणु एत थर चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ को जाते बहुत सुंदर महाराज जहा हो आज आम चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ पुरी में कि प्रकार लीला अलारनाथ कि प्रकार लीला करते बड़ सुंदर भाव आप शुणिले बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आमको ये सब लीला श्रवण कर हरे कृष्ण प्रिय दर्शक बंधु आज आम मैंने खूब सुंदर भाव में महाराज श्रवण कले कि से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में रहा समय अलारनाथ दर्शन करुते क्यों क्यों भाव में आविष्ट होते आदि अनेक अनेक लीला तेरे जहा हो आपण मैं समस्त अनुरोध यही समय अलारनाथ दर्शन आपण पक्षे जब संभव तेज दर्शन करूँ एवं अलारनाथ कृपा प्राप्त करूँ तेज आज ये रोचु हरे कृष्ण।